नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की राजनीति में पप्पू यादव एक ऐसा चर्चित चेहरा बनकर के उभरे जिनकी चर्चाएं चारों तरफ देश भर में देखने को मिली। पप्पू यादव ने भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी दोनों के खिलाफ खड़े होकर के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्णिया लोकसभा से चुनाव लड़ा। चुनावी नतीजे जारी होने के बाद पप्पू यादव को विजयी घोषित कर दिया गया और पप्पू यादव ने कोसी, सीमांचल और पूर्णिया की आवाज को उठाने का जो काम किया था उस मसले में वो सफल होते हुए नजर आए। अपने मिशन में कामयाब होने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि मैंने लोगों से जो वायदे किए हैं वो पूरे करता हुआ नजर आऊंगा। लेकिन चंद दिनों के बाद, ये यूं कहें कि चंद घंटों के ही बाद, पप्पू यादव पर एक ऐसा आरोप लगता है जिससे कि पप्पू यादव घिरते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव के खिलाफ मधेपुरा में एक लकड़ी फर्नीचर व्यापारी ने यह आरोप लगा दिया कि उनसे पप्पू यादव के द्वारा 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की गई। यह मामला बेहद गंभीर था क्योंकि पप्पू यादव जानते थे कि यदि इस तरीके की घटनाएं घटित हुई तो उनकी लोकसभा सदस्यता जा सकती है। ऐसे में उनके खिलाफ पूर्णिया में यह मामला दर्ज कर लिया गया और इसके बाद पप्पू यादव ने यह भी कहा कि मेरे विरोधी मेरे बढ़ते रुतबे को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, मेरे सियासी बढ़ते कदम और लोगों से मिलता प्रेम उनको खटकता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल उन्होंने इस तरीके से राजनीतिक घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की कि जिस तरीके से पप्पू यादव का राजनीतिक जो एक नया उदय हुआ है वो नया उदय होने से विरोधियों को झटका लगा है। लेकिन पप्पू यादव यही नहीं रुके। पप्पू यादव पटना हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं, उस एफआईआर को लेकर के ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि मैं इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ता रहूंगा और जो भी लोग इस पूरे षड्यंत्र में शामिल हैं सबको बेनकाब करने का काम किया जाएगा। पटना हाईकोर्ट से इस पूरे मामले में जमानत मिलने के बाद पप्पू यादव मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। मैं जानता हूँ ना मेरा कुछ था, इतना हर्ट हुए हैं। मैं अपनी लाइफ में आज तक 57 ईयर मेरी उम्र, इतना हर्ट हम कभी नहीं, इतना मेंटल टॉर्चर हम कभी नहीं। थाना प्रभारी की मिली भगत से यह एफआईआर, थाना प्रभारी का उनका कॉल डिटेल और उस व्यक्ति का मोबाइल कॉल डिटेल निकाला जाए, वो कहाँ कहाँ गया है, किस किस से मिला है। मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा इस एफआईआर के पहले 385 बाद में साजिश के तहत ऊपर के पदाधिकारी के दबाव पर सीजीएम कोर्ट में 387 किस आधार पर। 387 का मतलब है डायरेक्ट मिले, हमें धमकी दी, हम मौखिक कुछ एक्सटॉर्शन किए, किस आधार पर 387, सवाल ही नहीं उठता। कौन है इसके पीछे, किसको डर है? जितनी ताकत है एडमिनिस्ट्रेटर लगा ले, हम भ्रष्टाचार को मिटा देंगे और इन लोगों की मनमानी को खत्म करेंगे। लड़ाई आर पार है, आर पार। आम आदमी की आजादी जब तक नहीं होगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। अभी कोर्ट आए थे, यहाँ पर सीजीएम फर्स्ट के पास थे, बेल हो गई है, क्या कुछ अंदर बात हुई है? कुछ नहीं, वो तो लॉयर से पूछिएगा। मेरा ना कोई मोबाइल, ना कुछ, ना कोई लेना ना देना, 3 साल के बाद, इतने दिनों के बाद, ना कोई मतलब। आपने कल इंटरव्यू में बताया था कि आप मानहानि का दावा करने जा रहे हैं। सब कुछ होगा इस पर, इसको इसको जिस आदमी ने चांद पर दाग लगाने का प्रयास किया, जिस आदमी ने भगवान की सौगंध, मैं मंदिर में जाने को तैयार हूँ, आज तक मैंने इस आदमी को मिला नहीं, जाना नहीं, उसके बावजूद इतना पेन। किन किन को कंधे पर खड़ा करेंगे आप? सब ऊपर से नीचे तक सबका पता है, किसी को तो सुना। अपने पप्पू यादव को जो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र कामयाब नहीं होने दूंगा, मेरा नाम पप्पू यादव है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं न सिर्फ लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में आया हूं बल्कि हर दिन मैं 10-20 लाख रुपए बांट देता हूं।
पप्पू यादव ये कहते हुए इसलिए नजर आए क्योंकि पप्पू यादव का सियासी आधार जो है वो काफी मजबूत बिहार की राजनीति में माना जाता है। पप्पू यादव बिहार की राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। जन अधिकार पार्टी का उन्होंने जो है उदय किया था, लेकिन इस लोकसभा चुनाव से के संपन्न होने से पहले ही उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया था। पप्पू यादव बिहार की राजनीति में देखा जाए तो लालू परिवार की छत्र छाया में पले बढ़े और इसके साथ साथ उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। पूर्णिया मधेपुरा इलाके में बताया जाता है कि पप्पू यादव का काफी अच्छा सियासी वर्चस्व माना जाता है। ऐसे में विपक्षी उन पर लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से कहना है कि पप्पू यादव कमजोर नेता है और वह सिर्फ राजनीति का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर गुंडागर्दी को फैलाता है। राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए उसकी आड़ में पप्पू यादव रंगदारी जैसे मामलों को यहाँ पर अंजाम देता है और उस अंजाम को आप पप्पू यादव को भुगतना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि पप्पू यादव के क्षेत्र बीमा भारती जहाँ से आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ रही थी उनको करारी हार का सामना करना पड़ा है। रुपौली विधानसभा सीट से अब बीमा भारती की जो विधानसभा सीट है वहां पर उपचुनाव होने वाला है और वहां से बीमा भारती ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था जिस वक्त उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। ऐसे में वहां पर उपचुनाव होने वाला है और ये देखना दिलचस्प होगा कि अब पूर्णिया से सांसद बन जाने के बाद पप्पू यादव वहां पर कितनी सक्रियता दिखाते हैं और क्या रुपौली में भी किंग मेकर की भूमिका में सामने आएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ESPN 9 News।